नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इंटरनेट की स्पीड को किस प्रकार बूस्ट एंड फास्ट करेंगे। काफी फ्रेंड्स की क्योरी थी दोस्तों कि हमारे इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा स्लो चल रही है, तो उसकी स्पीड को किस प्रकार फास्ट किया जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इंटरनेट की स्पीड को किस प्रकार फास्ट करेंगे, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इंटरनेट की स्पीड को किस प्रकार बढ़ाएंगे। काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारी इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो उसे किस प्रकार फास्ट करें। तो उसके लिए चलिए हम चलते हैं यहाँ पर अपने सेटिंग पर। देखिए मेरा ये सेटिंग स्पेशली आपके सामने घूम भी रहा है, यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा क्योंकि आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर ये स्क्रॉल अप कर रहा है। तो चलिए इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन नज़र आ जाता है, कनेक्शन सेटिंग्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको जाना होगा और यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन नज़र आ जाता है मोबाइल नेटवर्क्स का, इस पर आपको जाना होगा। तो मोबाइल नेटवर्क्स पे आपको जाना है। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मेन फीचर्स क्या है। आपको अपने रोमिंग ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना है ताकि आपका इंटरनेट फास्ट चले, और अगर आपके ड्यूअल वोल्टेज सिम है तो इस ऑप्शन को भी अनेबल रखें, और इन दोनों ऑप्शन में आपको ऑटो कनेक्टेड रखना है। लास्ट में अगर आप कॉल करते हैं उस समय आपका इंटरनेट कट जाता है तो आप इस ऑप्शन को भी ऑन रखें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने जो मेन आ जाता है वो ये है, इस ऑप्शन में ही काफ़ी कुछ ऐसा आपको सीखने को मिलेगा जो बहुत बढ़िया है। तो चलिए इस पर चलते हैं और यहाँ पर हम एयरटेल पर आ चुके हैं। आप चाहे तो मैं जियो में आने वाले कुछ वीडियोज़ में बता दूंगा, वैसे जियो में मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाकर बता रखी है। यहाँ पर आपको एड पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लिखना है एयरटेल इंटरनेट 5G, ठीक है। इसको सेव कर दें। यहाँ पर APN सेटिंग पर आपको लिखना है एयरटेल GPRS.com, ये लिख दें छोटे में। और आपको प्रॉक्सी पर कुछ भी टाइप नहीं करना है, यूज़र नेम में आपको टाइप करना है एयरटेल, बस ओनली एयरटेल सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर पासवर्ड के अंदर आप लगाना चाहें तो 40 लगा कर इसे सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वैसे मैं इसको यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड नहीं रख रहा हूँ। वैसे अगर आपके इंटरनेट चलता नहीं है तो आप 40 कर लें, अगर चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर पर आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है, और यहाँ पर MNCC इन पर आपको वैसे ब्लैंक छोड़ देना है, और यहाँ पर आपको 404 और 70 एज इट इज़ रहने देना है, जो भी आपके आता है। यहाँ पर जाना है और नन ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, इस पर जाने के बाद नन ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जाकर डिफ़ॉल्ट आपको टाइप रखना है जो आपके आ रहा है। APN प्रोटोकॉल पे आपको यहाँ पर ये जो ये नीचे वाला ऑप्शन आता है, इस वाले ऑप्शन को आप अनेबल कर लें। रोमिंग में भी आपको जो ये नीचे वाला आता है, इस वाले ऑप्शन को अनेबल कर लें। बैरियर्स पर आपको जाना है और यहाँ अनस्पेसिफाई आ रहा है, इसको हटा दें। और यहाँ पर LTE और कुछ ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, एक LTE, एक GPRS है ना, और इसके बाद में शुरू के ये हैं, इनको आपको सबको सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर दें। इसके नीचे आपके सामने वर्चुअल नेटवर्क टाइप्स आ रहा है, इस पर जाना है और यहाँ पर आपको नन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये सब कुछ करने के बाद आप इसे यहाँ पर जाकर इसे सेव करें, और फिर आपकी इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड से आपका इंटरनेट चलेगा। इसका यूज़ करें, कुछ समय के लिए आपका इंटरनेट बंद होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरनेट चलेगा, तो काफ़ी फास्ट स्पीड से आपका इंटरनेट चलेगा। तो देखिए ये तरीका काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी शानदार है, तो एक बार आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइश करें, ज़रूर ट्रिक अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।